सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अक्ति गेमर यूट्यूब चैनल। और हम लोग चल रहे हैं बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में। बकवास जोक था ना, चलो छोड़ो उसको। तो देवी और सज्जनों, आज से हम लोग माइनक्राफ्ट में शुरू करने जा रहे हैं एक सर्वाइवल सीरीज जिसका नाम है राफ्ट सर्वाइवल। तो इसमें करना क्या होता है वो तो मुझे नहीं मालूम, आइए देखते हैं इसके बारे में। सो हमको यहाँ किसी लॉबी जैसी चीज में उतार दिया गया है, और अभी शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ स्टार्ट का एक बटन लगा है और हम लोग यहाँ कुछ भी तोड़ भी नहीं सकते। आइए शुरू करते हैं। बटन दबेगा कि नहीं? बटन भी नहीं दबेगा। अबे कुछ तो फूटा, क्या फूटा? आ गए हम लोग, टेलीपोर्ट हो गए दोस्तों अपने राफ्ट पे। और ये राफ्ट तो कुछ ज्यादा ही छोटी दे दी, अब मैं इस पे घर कैसे बनाऊंगा? क्या क्या सपने देखे थे मैंने। उरी बाबा, एक बार पानी में तो देखो इतनी बड़ी बड़ी शार्क है। अरे भाई मैं तो पानी में घुस गया, निकल निकल निकल, इतनी बड़ी बड़ी शार्क भाई, क्या मैं भी क्या कर रहा हूँ भाई, कहाँ घुस गया मैं भी। तो अभी मैटर ये है कि पानी में नहीं जाना है, समझे कि नहीं? पानी में नहीं जाना, इतनी बड़ी बड़ी शार्क है, मेरे राफ्ट के साथ ही मुझको खा जाएंगी। लेकिन चलो देख के आते हैं, अभी एक बार मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम लोग कोई चैलेंज थोड़ी ना कर रहे हैं। चलो देख के आते हैं। क्या ही दानव रूपी शार्क भैया हैं ये, और ये किसी चीज में तो फंसी हुई हैं सभी के सभी, निकल ही नहीं पा रही। अभी ये शार्क फंसी हुई तो मेरे मन में एक खतरनाक आइडिया उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इनमें से कहा शार्क को मारते हैं भैया। अरे भैया डैमेज पड़ रहा है, भाग 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 भाग। शार्क गुस्से में आ गई, मेरी बातें सुन रही है क्या? अबे बॉट लोग कब से बात सुनने लगे? अबे ऊपर तो चढ़ने दो यार, क्या कंट्रोल है यार, ये चढ़ भी नहीं पाता हूँ मैं जल्दी से, बहुत दिक्कत हो रखी है कंट्रोल्स के साथ। और यहाँ पे हमको एक बैरल मिल गया है, बैरल में क्या क्या है चलो देखते हैं। बैरल, अबे मेरे पास मीट आ गया यार कितना सारा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस घूम ही रहा था, ऐसे मीट आ गया। और बैरल के अंदर क्या लूट है ओ तेरी, बैरल के अंदर ये एक चीज़ मुझे कुछ अजीब लग रही है, टीपी द शॉप, इससे हम लोग शॉप पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं शॉप पर, और ये शॉप भैया देख रहे हो क्या क्या माल लगा हुआ है, कोई एक चीज तोड़ के देखे क्या? अबे इसमें तो सिक्का गिर गए यार कैसे, अबे जब लगाना ही तो ढंग से लगा दो यार, सिक्का गिर गया मैं चुरा लेता हूँ, मुझे क्या भाई, मैं तो चोरी करने आया हूँ यहाँ, आखिर मैं भी एक राफ्ट चला रहा हूँ, शिप का कैप्टन चोरी तो करता है। और यहाँ एक विलेजर है जो कि, अबे विलेजर को क्या भला मानुस बना दिया है ये, वहाँ से तो अंडे बेच रहे हैं, एमरेड लेके अंडे बेचने का काम कर रहे हैं। अबे ये तो हर एक मॉब का अंडा बेच रहा है, वाह भाई इसका सिस्टम तो सही है, लेने वाला है हर मॉब का अंडा बेच रहा है ये तो। आसपास घूमना पड़ेगा तो पता चलेगा क्या चल रहा है। अरे ये कौन है? अबे ये तो विलेजर लग रहा है, विलेजरों का राजा है क्या? ये तो मारने पे कुछ बोल भी नहीं रहा है। और ये मिला ना काम का बंदा, देख रहे हो स्वॉर्ड सब कुछ डायमंड का दे रहा है, और कितने ही कम पैसों में दे रहा है, बाकी सब तो लूट रहे हैं यहाँ पर। अभी दूसरी तरफ चलते हैं, और भी दुकानें देखो, ये देखो एक बंदा है, अरे वाह ये भी काम का बंदा है, ब्लॉक्स लेके इससे हम कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, ये हुई ना बात। अभी अभी वापस चलने की बारी है, वरना अपनी राफ्ट डूब जाएगी, पता चले वहाँ कोई है ही नहीं, राफ्ट ही डूब गई। अभी आ गए हम लोग पानी में, कितनी सारी शार्क है भैया, पानी में नहीं जाना किसी भी तरह से। और पानी में नहीं जाना बोल के मैं पानी में क्यों कूद गया पता है? इस आयरन के लिए, भैया मेरे सामने लूट पड़ी हो, मैं लू नहीं, इसमें सार का क्या राक्षस आ जाए तब भी मैं सामान लेके ही रहूँगा यार। उधर थोड़ा और लूट है, अबे क्या आयरन मिल गया, अंडे मिल गए। अभी मेरे पास पानी की कमी होना शुरू हो गया है, मुझे पानी उबालना पड़ेगा ताकि मैं पी सकूँ, हाँ इसमें ये सिस्टम है, अरे राफ्ट वाले में सिस्टम होता ही है, मैं बता क्या रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी फिशिंग करेंगे ताकि देखें फिशिंग से आखिर क्या क्या मिलता है इसमें। मेरे को पूरा एक स्टैक एमरल्ड चाहिए, एक स्टैक डायमंड चाहिए, एक स्टैक और क्या क्या होता है स्टैक मुझे पता नहीं क्या क्या होता है। अरे कुछ तो आ रहा है, आ रहा आ रहा, आ गया आ गया, अरे वाह रेड स्टोन का ब्लॉक नहीं और कुछ तो है, मिला तो कम से कम कुछ तो। इसमें फिश करना भी मस्त काम है, रैंडम चीज़ें मिलती रहती हैं। अभी पानी का सिस्टम दुरुस्त कर ले, वरना आंखें के सामने अंधेरा छाने लगेगा धीरे धीरे, और आदमी मृत्यु की तरफ बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। मैं क्या प्रवचन दे रहा हूँ, पानी वाला सिस्टम लगाते हैं यार, जहाँ देखो वहीं पे जोक बांधना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, अपन यूट्यूबर है। ये पानी वाली मशीन ढंग से इस जगह पर लगाते, वहाँ ऊपर उठी उठी लगी हुई थी। इसमें अभी एक बाल्टी पानी डालो, पूरा का पूरा एक बाल्टी पानी चला जाता है, और बहुत ही देर ले चलता है, मतलब 5 से 6 बार हम लोग इसमें भर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आया हूँ यहाँ पे खजाना लूटने, जल्दी जल्दी लूट लेते हैं भाई, पीछे से एक शार्क आ रही, जल्दी से लूट लो, कहाँ गया यार शार्क को, अरे खजाना मतलब क्या, अरे भाई साहब मेरे सामने ही सीक्रेट पड़ा था, इसमें इतना सारा खजाना था, 18 आयरन हो गए और एक इंचानवे डेप्पल मिल गया, 3 गोल्ड नहीं 3 डायमंड मिल गए,
अबे भागो जल्दी जल्दी वरना शार्क आ रही है। भाग 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 भाग, शार्क का डैमेज बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने एक बार ट्राई किया भैया, भागने नहीं देगी आपको। देखा बैठे बिठाए कितना लूट मिल गया। अरे वाह, कितना सारा आयरन हो गया। अभी आयरन का टूल्स बनाते हैं और चलते हैं कहीं पे एक्सप्लोरिंग करने। और हमने जो झाड़ लगाया था ये भी बड़ा हो गया, इसको काट पीट लेते हैं ताकि अपने टूल्स बना पाएं। बताओ, पानी लकड़ी के बर्तन में उबल रहा है, क्या लॉजिक लगाया है। अभी हम लोग जा रहे एक्सप्लोरिंग करने, सामने जो आइलैंड भाने हैं दरअसल हम लोग उनमें जा रहे एक्सप्लोरिंग करने। आ गए दोस्तों हम लोग, इधर देखो कितना सारा माल लगा हुआ है, 8-8 गोल्ड कॉइन लगे हुए हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा मैप लगा हुआ है। तो हम लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं इस मैप की सहायता से, मतलब हमको मैप देखने इतनी दूर आना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अभी। और क्या क्या चीज़ है इसमें देखो तो एक बार। इसी आइलैंड पे नीचे एक केव बनी है जिसको हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा माल है और सभी माल को खोदते हुए चलते हैं जल्दी जल्दी करके। और सामने डायमंड दिखा मुझको गलती से, अरे यार इधर कोल है, पहले इसको ले लेते हैं, डायमंड बाद में लेंगे। अरे एक ही डायमंड है यार, क्या उल्लू बनाते हैं एक डायमंड के लिए। अरे नीचे कितना बड़ा गड्ढा है, वाइड वाइड है क्या नीचे। सो गाइस बस फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अपने राफ्ट पर थोड़ा और कार्यवाही करेंगे और उस पर थोड़ा एक घर वगैरह कुछ बनाने की ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओ हेलो, जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।